हेलो, तो आपको पता ही क्या है, दिस इज़ ए रिकवरी बोर्ड। इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर आपकी गाड़ी कहीं रेत में या कीचड़ में फंस जाती है, तो आप इसको अपने टायर के नीचे फंसा सकते हो और गाड़ी जो है इसके ऊपर से निकल जाएगी। दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड इन केस ऑफ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, या फिर आपको पता है कि आप फंसने वाले हो। बट दिस इज़ नॉट वॉट यू नीड फॉर ए लद्दाख वाला ट्रिप। लद्दाख पे जाने के लिए या स्पीति में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हे गाइस, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग जब भी कोई रोड ट्रिप प्लान करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो अपनी है अपनी कार को रेडी करना। स्पेशली अगर वो ट्रिप पहाड़ों का होता है तो बात और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। यू विल फेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, लो एयर प्रेशर, रिवर क्रॉसिंग, ब्रोकन एंड डस्टी रोड, धूल मिट्टी, और लेट्स फेस इट, अगर ऐसी सिचुएशन में आपकी गाड़ी बीच में बंद हो जाती है तो आप लोग ऐसी जगह पे फंस सकते हो जहां आपको कोई मदद ना मिले। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग योर कार फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑफ रोडिंग ट्रिप, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू वेरी रिमोट डेस्टिनेशंस लाइक लद्दाख या स्पिति। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नीचे, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ आशीष भाटिया वेंचर्स। तो चलो देखते हैं हाउ टू गेट योर कार माउंटेन रेडी। सबसे पहली चीज़ हम लोगों के साथ एक हमेशा अक्सर होता है दैट हम लोग जब भी एक प्लान करते हैं ट्रिप की, भैया हम इस डेट को जा रहे हैं, तो हम लोग के दिमाग में बहुत चीज़ें होती है। हम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है हमें ये काम करवाना है, हमें ये चीज़ खरीदनी है। बट द पॉइंट इज़ कि हमारी जो डेली की लाइफ है, हम लोग उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि धीरे धीरे करके वो चीज़ें छूटने लग जाती है। हमें लगता है कि अभी जाने में 15-20 दिन हैं, हम ले लेंगे, आराम से सामान ले लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बट वो 15-20 दिन ऐसे निकल जाते हैं एंड यू आर ऑन दी डेट, आपको नेक्स्ट डे निकलना है, और तब आपको याद आता है कि आपने आधे काम या तो करवाए नहीं है या आधा सामान आप लेना भूल गए हो। तो द बेस्ट वे इज़ कि जैसे ही आपका जो है ट्रिप प्लान हो, स्टार्ट मेकिंग ए चेकलिस्ट। क्या क्या काम आपने गाड़ी में करवाने हैं, क्या क्या सामान आपने गाड़ी के लिए खरीदना है, क्या क्या सामान आपने ट्रिप के लिए खरीदना है, सबसे पहले उसकी एक चेकलिस्ट बना लो। एंड जैसे जैसे याद आता जाए वो चेकलिस्ट में चीज़ें लिखते जाओ, और जैसे जैसे काम होता जाए वो चीज़ें टिक मार्क करके गायब करते जाओ, सो दैट बाय द टाइम यू आर ऑन द डेट आपका सारा काम निपट जाए। एक ये चीज़ होती है हर गाड़ी के साथ मिलती है, जिसको ओनर्स मैनुअल कहा जाता है, जो हम लोग जनरली इग्नोर मार देते हैं। तो एक काम करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको पढ़ लो, क्योंकि इसके अंदर जो होता है सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि आपको अपनी गाड़ी में सर्विसिंग में कितने कितने किलोमीटर पे इंटरवल्स पे क्या क्या काम करवाना है। और आगे का सारा काम जो है मैं इसी के हिसाब से बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर किसी पहाड़ पे चढ़ना है या किसी रिमोट से एरिया में जाना है तो आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या काम करवाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग इज इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। हेलो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो आपका इंजन जो है वो घंटों तक ऑन रहता है, और उन घंटों में उसको लुब्रिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपको ऑयल चेंज किए हुए करीब 4,000-5,000 किलोमीटर हो चुके हैं या 4-5 महीने हो चुके हैं, तो इट इज़ टाइम कि आप इस ट्रिप पे जाने से पहले अपना ऑयल फिल्टर सब चेंज करा लो। अब इंजन ऑयल कौन सा डलवाना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेगी मार्केट में, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, मिनरल, उसके बाद फिर ग्रेड्स हैं ऑयल के। तो इसके लिए जो बेस्ट चीज़ है, अगेन ओनर्स मैनुअल, इसके अंदर डिटेल में दिया होता है कि आपको किस ग्रेड का जो है ऑयल डलवाना चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन गो विद सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, दैट इज़ योर चॉइस। सिंथेटिक थोड़ा ज़्यादा देर चलता है और सेमी सिंथेटिक थोड़ा कम देर, बट बजट आपका है, आप डिसाइड करो क्या करना है। जहाँ तक ग्रेड की बात है, वो आपको मैनुअल में मिल जाएगा। इसके हिसाब से जो स्कॉर्पियो का जो अपना खुद का महिंद्रा का एक ऑयल आता है, वो रिकमेंड यही करते हैं महिंद्रा वाले कि वो डलवाओ, मैं वो कभी नहीं डलवाता। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके अंदर जो है मेंशनड है कि ऑयल कौन से ग्रेड का डलवाना है। यू कैन सी इन एक्सट्रीम केसेस, मतलब अगर आप खुद से बदल रहे हो, तो 15W40 इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ग्रेड फॉर डीजल इंजन। अब ग्रेड कौन सा डालना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी ठंडी जगह पर जा रहे हो। अगर टेम्परेचर जो है वो सब जीरो जा रहा है, तो हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया आप 5W40 भी डलवा सकते हो। 15W40 इज़ सफिशियंट फॉर -15 degrees, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बेटर येट डू अ लिटल रिसर्च ऑन नेट, उसके हिसाब से जो आपको सबसे सही लगे अपने गाड़ी में वो डलवा सकते हो। बट आई स्टिल से फॉलो योर मैनुअल, योर मैन्युफैक्चरर नोज द बेस्ट अबाउट द व्हीकल। एक माउंटेन एरिया में जाने के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पावर जो कि आपको चढ़ाई पे चढ़ा दे, और ब्रेक्स जो कि आपको सेफली नीचे उतार दे।
इंजन के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ योर ब्रेक्स। ब्रेक पैड्स चेक कर लो, घिसे तो नहीं हुए। अगर 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है गाड़ी तो इसका ब्रेक फ्लूड जो है उसको चेंज कर दो, नीचे से जो है पुराना ब्रेक फ्लूड फ्लश आउट कर दो, जो ब्रेक ड्रम है या फिर जो डिस्क कैलिपर्स है वहाँ से। उसके बाद ऊपर से जो है फ्रेश ऑयल जो है वो डाल दो। स्कॉर्पियो में जो है .4 ग्रेड का जो है ब्रेक फ्लूड डलता है। अगेन आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो मैनुअल में मेंशन होता है, यू कैन चेक इट आउट। ब्रेक्स की प्रॉपर सर्विसिंग, ब्रेक फ्लूड टॉप अप करवाना, ये सब बहुत ज़रूरी है सो दैट योर ब्रेक्स आर इन टिप टॉप कंडीशन व्हेन यू गो टू द माउंटेंस। आपकी कार में फिल्टर्स लगे होते हैं जगह जगह पे जो कि कचरे को रोकते हैं अंदर आने से, जैसे कि कैबिन के अंदर जो है एसी का अपना फिल्टर होता है, जैसे कि ये फ्यूल फिल्टर। हाईवे पे जो डीजल मिलता है उसमें एडल्ट्रेशन का चांस होता है। फ्यूल फिल्टर उस कचरे को आपके इंजन में जाने से रोकता है एंड यू हैव टू चेंज इट एवरी 30,000 किलोमीटर। उसके बाद आता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लेट्स फेस इट, लद्दाख में जो है एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, तो आपको जो हवा जो है गाड़ी के अंदर जो जा रही होती है वो बहुत कम जा रही होती है। ऐसे में अगर एयर फिल्टर जो है वो चोक्ड है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मिट्टी उड़ रही होती है, धूल उड़ रही होती है, अगर आपका एयर फिल्टर चोक हो जाता है तो आपकी गाड़ी प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएगी। सांस नहीं ले पाएगी तो पावर कम हो जाएगी, गाड़ी की एफिशिएंसी ड्रॉप कर जाएगी और पहाड़ पे चढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अपना जो एयर फिल्टर है उसे चेंज करवा लो एंड बेटर येट एक एयर फिल्टर साथ में स्पेयर रख लो सो दैट कि रास्ते में अगर ज़रूरत पड़े तो आप खुद चेंज कर सको। वेरी इंपॉर्टेंट, बेल्ट्स एंड होजेज। गाड़ी के अंदर जो बेल्ट्स लगी होती है, जो फैन बेल्ट है, जो वाटर पंप की बेल्ट है या अल्टरनेटर की बेल्ट है, मतलब हर गाड़ी में अलग अलग तरीके से ये सब कनेक्टेड होती हैं, बट कॉमन थिंग इज़ कि एक रबड़ की बेल्ट इन सबको चला रही होती है जो इंजन से जुड़ी होती है। 4-5 साल के बाद वो रबड़ जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर्स एक्सट्रीम है, ठंड है, गर्मी है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो चांसेस आर कि वो बेल्ट जो है अंडर लोड टूट जाए। तो बेटर येट कि एक बार अपनी बेल्ट चेक करा लो, जो होजेज़ हैं, जो रेडिएटर की होज़ है जिसमें से पानी जाता है वो चेक करवा लो, कहीं से क्रैक्ड तो नहीं है, अगर क्रैक्ड है तो उन्हें चेंज करवा लो। बेरिंग टेंशनर्स या पुलीज जो हैं उन्हें चेक करवा लो। मेरी गाड़ी में जो बेरिंग टेंशनर था वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको भी चेंज कर लिया। आज की डेट में बैटरी बस कार स्टार्ट करने का काम नहीं करती है, वो तो करती है बट उसके अलावा बैटरी बहुत ज़्यादा काम करती है क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं आज की डेट में गाड़ी में दे आर इलेक्ट्रिक। आप फ्यूल पंप ले लो, रेडिएटर फ़ैन ले लो, एसी का ब्लोअर ले लो, एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रिक, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहा होता है। और ठंडी जगहों पर बैटरी जो है उसकी एफिशिएंसी वैसे ही कम हो जाती है, उस पर लोड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बैटरी की जो कंडीशन है उसको अच्छे से चेक करा लो। पानी का लेवल चेक करा लो, पीएच लेवल चेक करा लो, बैटरी टर्मिनल्स जो हैं उसको अच्छे से साफ़ करवा लो। लद्दाख या स्पीति में ठंड होती है लेकिन जब आपकी गाड़ी किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है तो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, तो कूलेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आपकी गाड़ी जो है 50-60,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है तो गेट योर कूलेंट फ्लश्ड आउट, नया कूलेंट भरवा के उसको जो है रेडी कर लो। और इसी तरह से बाकी के भी फ्लूइड्स हैं, जैसे आपका गियर ऑयल है, डिफरेंशियल ऑयल है, अगर आपकी गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो उसका जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो, ये सब चीज़ें चेक करवा लो, टॉप अप करवा लो। मतलब फ्लूइड्स जितने भी हैं गाड़ी के वो आपको डिटेल्स जो हैं आपकी मैनुअल से मिल जाएंगी, कहाँ कहाँ पे रिजर्वायर्स होते हैं, एक बार चेक कर लो और उसको टॉप अप करवा लो। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट टायर, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, पावर ट्रांसमिशन है, सेफ्टी है, कम्फर्ट है, वो सब कुछ जो है टायर्स पर डिपेंड करता है। तो चलने से पहले अपनी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनको चेक कर लो, क्रैक्स के लिए चेक कर लो, कहीं पे कुछ नुकसान ना हुआ हो, यू नो, कटे वटे ना हो टायर्स। एयर प्रेशर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, जाने से पहले भरवा लो। और हाँ, जब आप अपनी गाड़ी के चारों टायर्स चेक करो तो मेक श्योर कि जो स्पेयर टायर है, स्टेपनी है, उसे मत भूल जाना, उसको भी चेक कर लेना, हवा वगैरह उसमें भी भरवा लेना, और साथ ही साथ टायर्स की अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये सब भी करवा लो जाने से पहले। उसके बाद अगली चीज़ जो है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक्स, मतलब कि आपका वाइपर ब्लेड्स हो गए वो चेक करवा लो, आपका गाड़ी के बल्ब्स हैं, फ्यूज़ेस हैं,
गाड़ी के अंदर स्पेयर फ्यूजेज हों वो चेक कर लेना, जो आपके मैकेनिक हैं उनको बोल देना कि स्पेयर फ्यूज चेक कर ले, और अगर हो सके तो स्टैंडर्ड जो रेटिंग्स होती हैं आपकी 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, इसके कुछ फ्यूज अपने साथ स्पेयर रख लो। गाड़ी का बोनेट खोल के एक बार चेक कर लो कि कोई भी जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, वो कहीं से इंजन को छू के जल ना गई हो, नो ऊपर की इंसुलेशन ना जल गई हो, कटी फटी ना हो, मतलब कहीं से अगर एक्सपोज है तो उसको प्रॉपरली जो है रैप अप करके टेप कर लो या फिर स्लीव चढ़ा दो उसके ऊपर। कोई भी इलेक्ट्रिक जो आउटपुट है वो ओपन ना हो। सस्पेंशन के जो हैं सारे नट बोल्ट जो हैं वो अपनी जगह पे लगे हों, टाइट हो। दूसरी चीज़ ये कि जो गाड़ी की जो अंडरबॉडी है उसमें जो आपकी ड्राइव लाइन जा रही है या इंजन माउंटिंग है, सब चीज़ें चेक कर लो कि कहीं से कुछ खुला हुआ या टूटा हुआ ना हो। एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस, टाइटली सिक्योर्ड। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने ये सारा काम भी करवा लिया उसके बाद भी आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैकेनिकल चीज़ है गाड़ी, वो कभी भी कहीं पे भी ख़राब हो सकती है। तो इट विल बी बेटर अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें अपनी गाड़ी के बारे में सीख लो, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू रिमोट लोकेशंस या फिर लद्दाख स्पिति। रीज़न बीइंग कि वहाँ दूर दूर तक आपको बंदे नहीं मिलते, तो आपको प्रॉपर मैकेनिक तो भूल ही जाओ कोई मिलेगा। तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। मैं अपनी कार का जो मोस्टली काम है वो खुद ही करता हूँ, मेंटेनेंस का जितना काम है वो खुद ही करता हूँ, तो मेरे लिए चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ ही खुद करना है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सीख लो, जैसे कि टायर बदलना, गाड़ी के अंदर जैक कहाँ लगता है वो देखना, जरूरत पड़े तो गाड़ी का कोई बल्ब वगैरह बदलना हो वो, गाड़ी के अंदर कौन कौन सी चीज़ कहाँ है बोनेट खोल के एक बार चेक कर लो, आपका रेडिएटर, रेडिएटर में जो कूलेंट डलता है वो कहाँ से डलता है, ब्रेक फ्लूइड कहाँ से डलता है, उसके बाद इंजन ऑयल का लेवल कैसे चेक करते हैं, मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप एक बार अपनी गाड़ी में गो थ्रू हो सकते हो, सो दैट कि इनकेस अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप को उससे बचा सकते हो, अगर कहीं फंसते हो तो उस पर्टिकुलर जगह से निकल सकते हो, निकल के किसी सेफ सी जगह पे जा सकते हो। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है सो मैं इस बार फिर से कवर करने जा रहा हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू सम रिमोट माउंटेन डेस्टिनेशन, जैसे सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ एक फर्स्ट एड किट, ये ज़रूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे कोई डॉक्टर या फार्मेसी मिलने नहीं वाली, तो छोटे मोटे कट्स होते हैं या कहीं से कुछ छुटका मुटका जलता है, कोई चोट लगती है, तो आपके पास एक बेसिक जो है किट होनी चाहिए सो दैट यू स्टे प्रोटेक्टेड। सेकंड थिंग इज टूल किट, जैक है, उसके अलावा स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, स्पैनर्स, ये सब चीज़ें जो हैं अपने साथ रखो गाड़ी में, सो दैट कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप छोटा मोटा रिपेयर कर सको। इसके अलावा कुछ सीलेंट्स जैसे कि एम सील है या रबर सोल्यूशन है, फेविबॉन्ड जो आती है वो, या फिर फेविक्विक, इस टाइप की कुछ चीज़ें रखो ताकि कुछ टूटे फूटे तो उसे जोड़ सको। इसके अलावा एक एयर कंप्रेसर, एक पंचर रिपेयर किट इस टाइप की जिसमें सारा कुछ होता है, कीप इट इन योर कार। टो स्ट्रैप्स, ऐसा कोई टो स्ट्रैप अपने साथ रख लो सो दैट कि अगर कहीं फंसो तो कोई दूसरी गाड़ी आपको निकाल सके। टॉर्च लाइट्स, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत होता है एंड यू डोंट हैव स्ट्रीट लाइट्स। एक ठीक ठाक सा टेंट, थोड़ा सा स्लीपिंग गियर जैसे आपका मैट्रेस हो गई, स्लीपिंग बैग हो गए, ये सब चीज़ें साथ में रखो, इसलिए नहीं क्योंकि आपको कैंपिंग करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनकेस अगर कोई इमरजेंसी होती है या कहीं फंसते हो आप तो आपके पास कोई जगह होनी चाहिए, सर पे छत होनी चाहिए जहाँ पे भी आप प्रॉपरली सो सको। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, जो आपके गाड़ी की जो RC है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, POC सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इंश्योरेंस गाड़ी की, जो परमिट्स लेने हैं वो, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखो क्योंकि रास्ते में जो भी बैरिकेड्स या चेक पोस्ट आती हैं वहाँ ये चेक हो सकते हैं। तो दिस इज़ इट गाइस, अगर आपकी गाड़ी जो है प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो ज़्यादा आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा डेंट वेंट जो लगता है उसको तो इग्नोर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेक श्योर दैट योर कार इज़ मैकेनिकली फिट इस टाइप का ट्रिप करने के लिए, और उसके लिए जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसकी तरफ एक बार नज़र दौड़ा लेना। यू विल बी गुड फॉर माउंटेन्स, और ऑल दिस इज़ फॉर प्रिपेयरिंग योर कार एंड योर सेल्फ फॉर द माउंटेन ट्रिप्स। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इनपुट आपका है या कुछ आइडिया आपके दिमाग में भी है कुछ ऐसा काम करवाना चाहिए, तो यू आर फ्री टू शेयर दैट विद अस इन कमेंट सेक्शन, आई विल पिन द बेस्ट कमेंट। तो दिस इज इट गाइज, होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।